اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد دكتور جزات عني رحمة الله बातें जो तस्वुफ और सलूक के बारे में हैं, उसको हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब रहमत ने जमा किया है उसका नाम रखा है अनफासी ईसा तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मान रहमतुल्लि ने इसको रमजान मुबारक में रोजाना थोड़ा थोड़ा उसको मजलिस के अंदर बातें की है इन सारी बातों को उसी की तफसर है जमा करके किताबी शक्ल बना दी आज आपके सामने उसी का दर्ज चल रहा है और हमारे लिए बहुत मुफीद होगा तो उसमें हम पढ़ रहे थे तसव्वुफ की हकीकत तसव्वुफ कुरान के अंदर उसकी आयत है कद अफलह मनज का कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स का तस्किया किया तस्किया किसको कहते हैं तस्किया शरीयत की अतलाह में कि इंसान के जाहिरी अमाल को भी ठीक करे और बातिन अमाल को भी ठीक करने का नाम तस्किया है अब जाहिरी अमाल में भी दो तरह के अमाल है कुछ करने के है कुछ न करने के करने के अमाल नमाज रोजा जक़ात हज है न करने के अमाल झूठ गिबत झूठ न बोलना गिवत न करना शराब न पीना वगैरह ऐसे ही बातनी जो सिफात है बातिन अमाल है उसमें भी दो तरह के हैं। कुछ अखलाक हसना है कुछ अखला के रजीला अखला के हसना अच्छे सिफात सब्र तवक्कुल शुक्र इखलास है और और वो आ, यानी रजीला सिफात, खराब सिफात वो है मसलन तकबुर हसद रियाकारी है न अदावत ये सारी की सारी चीजें हैं तो इन सब चीज का यानी ये पाक करना नफ्स को इन सारी चीजों से उसी का नाम तस्किया और वो तस्किया कैसे होगा उसके लिए शेख की जरूरत है अजरत थानी रहमत रहमत का एक अज़र थानी रहमत का एक वाक्य है अपने शेख हजरत डॉक्टर अब्दुल साहब रहमत से सुनी हुई एक बात याद आ गई सुनी हुई एक बात याद आ गई फरमाया कि एक मरतबा हकीम हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाई दहली में मस्जिद के मिंबर पर बैठकर वाज फरमा रहे दहली के अंदर बहुत बड़ा मजमा सामने बैठा हुआ था वाज फरमाते फरमाते कहने लगे कि आज मैं एक बात आप लोगों से बयान करता हूं ये बात मुझ ही से सुनेंगे और किसी से नहीं सुनेंगे और किसी से सुनने में नहीं आएगी और मैं ये बात तहदीसे नेमत के तौर पर कह रहा हूं कि इल्म अल्लाह ताला ने मुझे ही इल्का फरमाया है आ, क्योंकि ऊपर एक बात गई थी कल वहां पर हमने खत्म किया था कि एक होता है इंसान अपने अंदर की अच्छी सिफात को बतावे बड़ाई के तौर पर और एक तहदीस बिन नमत के तौर पर शक्ल दोनों को एक है लेकिन उसमें फर्क इंसान नहीं कर सकता इसलिए ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं तो इन बीमारियों को दूर करने के लिए इस फर्क को समझने के लिए शेख की जरूरत होती तो अब उस पर एक मिसाल बता रहे हैं हजरत थानी का कि खुद ने फरमाया मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप मुझ ही से सुनेंगे किसी और से सुनने नहीं आएगी तो अब ये तो जाहिर बात है बड़ाई की एक अलामत है लेकिन ये कह रहे तहदीस बिन नहमत कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है अल्लाह ने मुझे जो इल्म इल्का फरमाया है ये बात कहने के बाद एक लम्हे के लिए खामोश होगी ये बात कह दी फिर खामोश फिर फरमाया कि अस्तख फिरुल्लाह अस्त फिर अस्तख फिर मैंने ये क्या जुमला कह दिया मुझ ही से सुन सकेंगे और कहीं सुनने में नहीं आएगी ये तो दावा और है। ये तो एक दावा हो गया और अपनी बढ़ाई हो गई और मैंने अपनी बढ़ाई बयान की है और उसको मैंने तहदी से नहमत का नाम दे दिया लिहाजा मैं इस पर अस्तगार करता हूं अस्तखिर अस्तख फिरुल्लाह कहने ने. अव्वल तो मैंने अपनी बड़ाई बयान की और फिर उस बड़ाई को तहदी से नमत के पर्दे में छुपाने की कोशिश की और कायदा है कि सिर वल अलानिया तो बिल अलानिया क्योंकि ये गुना मैंने अलानिया किया था सबके सामने मैंने अपनी बड़ाई की तो मैंने गुना अलानिया किया था इसलिए तोबा भी मैं अलानिया करता हूं ये मुझसे गलती हुई है इस गलती पर इस्तफार करता हूं स्तब फिर अस्त फिरुल्लाह अस्तभ फिरुल्लाह एनवास के दरमियान दौरान उन्होंने ये काम किया इस तरह कोई दूसरा करके दिखाए इस तरह कोई करके दिखाए ये काम वही शख्स कर सकता है जो आप अपने आप को मिटा चुका हो मिटा चुका वो कर सकता अपने को फना कर चुका हो फिर नफ्स की बारिक चालों से बाखबर हो और अपने नफ्स का निगरान रहता हो उसका एहतिसब हमा वक्त करता रहता हो तो ये कौन कर सकता है जो नफ्स की बारिक चालों से बाखबर हो तो जुमला बोलने के बाद उनको एहसास हुआ सबके सामने फिर नफ्स को मारा भी तकफिरल्ला भी कहा अपने नफ्स की निगरानी रखता हो उसका हिसाब करता हो अब आप देखेंगे कि जो बात मैं बयान कर रहा हूं ये ताल्लुक के तौर पर बयान कर रहा हूं या तहदीस नेमत के तौर पर बयान कर रहा हूं उनके दरमियान फर्क करना बड़ा मुश्किल है उसको पहचानना हर एक के बस का काम नहीं है इस फर्क को समझना हरे के बस का काम और दूसरा एक होता है तोजु और एक होता है जिलत नफ्स इसी तरह तोजु बड़ी उम्दा चीज है आला दर्जे की सिफात है और मतलूब है और एक दूसरी सिफत होती है जिलत नफ्स यानी दूसरे के सामने नफ्स को जलील करना यह हराम है अब तोजु में भी नीचे बनना है और दूसरे के सामने जलील करना उसमें भी नीचे बनना है तो जलील करना हराम है अब इसमें फर्क न करने की वजह से धोखा खा जाते हम समझ रहे होते हैं कर रहे होते हैं हकीकत में वो अपने नफ्स को जलील कर रहा होता गुना का काम और एक आदमी सोचता है कि नहीं मैं अपनी इज्जत नफ्स कर रहा हूं कहा कि अपने नफ्स को जलील करने से बचाना है हकीकत में वो तकबूर कर रहा होता है तो उसको जलील करना चाहिए लेकिन दोनों के दरमियान फर्क करना कि कौन सा अमल तोजु की वजह से किया जा रहा है कौन सा फैल जिल्लत नफ्स है इसके दरम्यान फर्क करना हर की बस की बात नहीं एक वाक्य इसी फर्क के सिलसिले में हजरत थानी रही ने अपना वाक्य बयान फरमाया कि मैं एक मरतबा रेल में सफर कर रहा था रेल में मेरे पास कुछ देहाती भी बैठे हुए थे सफर के दौरान जब खाने का वक्त आया तो उन दिहातियों ने अपने साथ जो सालन रोटी लाए थे वो निकालकर सामने रखा और मुझे भी खाने की दावत देते हुए कहा कि हजरत जी कुछ गुमूत हमारे साथ भी खा लो <laughs> हमारे साथ भी अभी वो जरा वो करने के लिए तवाजु करने के लिए तो फरमाया हमारे साथ खा लो उस खाने को तो को तो वो कहते हैं का नाम दे दिया अब बात बजाहिर तो ये तवाजु की बात थी लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला की रिस्क की नाकदरी थी जाहिर में तो तवाजु तो है लेकिन हकीकत में तो अल्लाह ताला के रिस्क की नाकदरी थी कि अल्लाह ताला के तस्क को करार देकर उसकी दूसरे को दावत दिया और बुलाए ये तवाजु नहीं बल्कि अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री और बेतौकी है बेइज्जती है बहरहाल कभी तवाजु की सर, हद, सरहद, जिल्लत नफ्स के साथ मिल जाती है कभी तवाजु की बॉर्डर जिल्लत नफ्स के साथ मिल जाती है और कभी उसकी बॉर्डर नाशुक्री के साथ मिल जाती है। अब किसी हद तक तवाजु करे किस हद तक तवाजु करे और किस हद पर तवाजु न करे और कहा तवाजु है कहा नाशुक्री है तवाजु है और कहा जिल्लत नफ्स है उनके दरमियान फर्क को पहचानना हरे का काम नहीं जब तक किसी शेख से तरबियत हासिल न कर ले चीज महज पढ़ा देने से हासिल नहीं होती ये चीज महज पढ़ा देने से हासिल नहीं होती कि किताब में पढ़कर किसी चीज की हद पूरी पूरी मालूम कर ली और फिर खुद ही उसके फवाद और उसकी कयूद निकालने शुरू कर दिए याद रखिए यह इस किस्म का काम नहीं है आ, ये वाला जो काम है और ये जो पहचानना है नेकी क्या गुना क्या हलाल क्या हराम क्या इसके दरमियान में फर्क करना इसका कोई कोर्स नहीं है जो आपको पढ़ा दिया जाए ताकि आप उसके मुताबिक समझ लो ये एक इलाज है जो बीमारी है इसका इलाज करा दो सेहत मिल जाएगी तो खुद खुद सब समझ में आ जाएगा बल्कि ये काम अमली तरबियत से आता है जब किसी शेख को मुसलसल आदमी देखता रहे और उसके तर्ज अमल का मुशाहदा करता रहे और उसको अपने हालात बताकर उससे हिदायत लेता रहे उसके नतीजे में फिर इंसान को यह इतराक हासिल होता है कि अमल और अखलाक का यह दर्जा अमल और अखलाक का यह दर्जा काबिल हसूल सिफत है और ये कैफियत या दर्जा काबिल तरक रजीला है यानी उसके बाद उसको इतना एहसास हो जाता है कि अमल और अखलाक इस दर्जे को पहचान लेता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है इसको छोड़ देना चाहिए एक मिसाल मैं इसकी मिसाल दिया करता हूं जैसे एक गुलाब का फूल है किसी बड़े से बड़े फलसफी और मंतकी से कहा जाए कि तुम इस गुलाब के फूल की खुशबू की ऐसी जामे माने तारीफ करो जिसकी चंबेली की खुशबू से मुमताज कर दे तो गुलाब के फूल से भी खुशबू आ रही है और चंबेली के फूल से भी खुशबू आ रही है इस काम के लिए किसी बड़े से बड़े फसी और बलिक को बुला लो यानी अच्छी बात करने वाले को बुला लो किसी अदीब और शायर को बुला लो स्पेशलिस्ट बोलने वाले को बुला लो और उसे कहो कि गुलाब और चम्बेली की खुशबू में फर्क बयान करो बताइए कोई फर्क बयान कर सकता है हर नहीं। बस के फर्क करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि पूछने वाले से कहा जाए कि इस गुलाब के फूल को सूंग लो और इस चम्बेली के फूल को सूंघ लो और सूंघने के बाद पता चल जाएगा कि गुलाब की खुशबू कैसी होती है और चम्बेली की खुशबू कैसी होती उसके अलावा दोनों के दरमियान फर्क मालूम करने का कोई तरीका नहीं सूंग लो तो पता चल जाएगा कि हाँ दोनों में फर्क है सुंगा नहीं है और आप ये करो कि तारीफ करो कि गुलाब के फूल की खुशबू ऐसी होती है वैसी होती है और चम्बेली लेकिन कभी सूंगा ही नहीं है तो क्या फर्क करोगी ऐसे ही नेकी और गुना को हमने कभी उसको इसका टेस्ट देखा ही नहीं है जब उसको नेकी का जब टेस्ट देखेंगे और गुना की जो जुलमत देखेंगे तो आपको फौरन पता चलेगा कि हाँ ये नेकी है और ये गुना है इसके करने के बाद मेरे दिल की कैफियत यू बदल गई और इसको करने के बाद दिल के अंदर खुशी महसूस हुई तो, तो उसका मजा चखने के बाद ही पता चलता है दूसरी मिसाल एक मिसाल और सुनिए देखिए आम भी मीठा होता है और गुड़ भी मिठा होता है गुड़ की मिठास कैसी है और आम की मिठास कैसी है दोनों की मिठास में जो फर्क है वो किसी बड़े से बड़े फलसफी फलोसफर मंतकी से बयान कराओ हरगिज बयान नहीं कर सकता क्योंकि दोनों की मिठास का जो फर्क है वो जबान से लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता इस फर्क को जानने का यह तरीका है कि इस पूछने वाले से कहा जाए कि तू गुड़ भी खा लो गुड़ खा लो और आम भी खा लो फिर पता चल जाएगा को हो, आम की मिठास अलग है और गुड़ की मिठास अलग है जी अल्लाह बिल्कुल इसी तरह इंसान के बातिन के जो फजाइल है अंदर की मसलन तोजु है अगर इसकी लफ्जों में कोई मुकम्मल तारीफ बयान करना चाहे तोजु की तो बहुत मुश्किल है लेकिन जब किसी मुतवाजे आदमी को देखोगे और उसके अमल का मुशाहदा देखोगे मुशाहदा करोगे और उसकी सोहबत में रहोगे तो उसके नतीजे में वो सिफत तुम्हारे अंदर भी मुंतकिल होनी शुरू हो जाएगी यानी की तारीफ मत सुनो बल्कि तवाजू वाले के पास बैठो तो पता चलेगा कि तोु क्या होती है यानी वहां बैठोंगे तो उसको चखो तो वालों को चखना हुआ चखना कैसे है कि बैठेंगे ना तो तुम्हारे अंदर खुद बखुद उसका टेस्ट मिलेगा उसकी सोहबत में बैठने से हमारे अंदर वो चीजें मुंतकिल होगी और उसके तर्ज अमल का मुशाहिदा करोगे उसकी सोहबत में रहो उसके नतीजे में वो सिफात तुम्हारे अंदर भी मुंतकिल होने शुरू हो जाए इसलिए तस्व और सुलूक में शेख की सोहबत और उसकी तरफ रुजू करने की जरूरत होती शेख की सोहबत और उसकी तरफ रुजू करने की जरूरत होती सोहबत भी हो और शेख से रुझू करो पूछो सिर्फ बातें कर लेने से चीज हासिल नहीं होती बल्कि किसी के सामने रगड़े खाने से अल्लाह ताला फजल फरमा देते हैं और यह चीज हासिल हो जाती बहरहाल पीर और शेख के हाथ पर बैत होना कोई फर्ज नहीं पीर या शेख के हाथ पर बैत होना कोई फर्ज नहीं कि आदमी किसी शेख के हाथ पर हाथ रखकर जरूर बैत हो जाए लेकिन अपनी इसलाह कराना जरूरी है देखा बैत होना जरूरी नहीं इसलाह कराना जरूरी इसलाह बगैर बैत हुए भी हो सकती है जब अपनी इसलाह के लिए कोई शख्स अपनी शेख की तरफ रुजू करता है जब अपनी इसलाह के लिए कोई शख्स अपने शेख की तरफ रुजू करता है तो उस रुजू करने का असल मकसद यही होता है कि आदमी को फजाइल हासिल हो अच्छाइया मिले और रजाइल से आदमी बच जाए बुराइयों से आदमी बच जाए इन रजाइल का इमाल हो इन बुराइयों बुराइयों को नेकियों से बदलना है और वो इंसान के काबू में आ जाए सुलूक और तसव्वुफ का ये असल मकसद है ये इस्लाह है और ये करना बहुत जरूरी है। इसको हमने एक मामूली समझा है हालांकि इस्लाह करना हर एक के लिए जरूरी है और इतना इस्लाह करना जरूरी है शेख बनना जरूरी नहीं इतनी इस्लाह हो जाए कि हम समझ सके कि ये नेकी है और ये गुनाह है बस हम समझ सके कि ये तवाजु है और ये किब्र है ये समझना हरे को वरना क्या होगा धोखा खाने और पूरी जिंदगी फिर झगड़े में पड़ा रहेगा क्योंकि पता ही नहीं होता इसलिए इतना मिल जाए ये ईमान बनेगा इतना अलबत् सिलसिले में अस्कार और औरत या मुख्तलिफ वजाइफ सालिक के लिए मोइन और मददगार हो जाता

उसको किस कितना दिया जाए वो उसके हिसाब से चॉइस करेगा अपने हिसाब से चॉइस करेगा जैसे डॉक्टर किसी को कितनी गोली देना है कौन सी कौनसी देना है किस किस वक्त में देना है ये डॉक्टर ही तय करता है मरीज तय नहीं करता है। तो ऐसे ही जिक्र अस्कार कितने देने हैं कौन से कौन से वक्त में देने हैं तो वो सारा शेख ही तय करेगा मशवरे से ही मुकर करने की जरूरत होती है उसी से इसलाहे हाल का फायदा होता है वरना आम हालात में ये असकार और औरत इस दर्जे में खुद मकसूद नहीं बल्कि असल काम अपने अखलाक की असलाह है और उसका तस्किया है जिसके लिए जरूरी है कि शेख को अपने हालात की इतला देता रहे तो देखा पहले इतवा थी कि जो बताया वो करे उसके बाद फरमाया इतला दे फरमाया जो किया है उसकी खबर दो इतला देता रहे इतला देना जरूरी है साहब के राम हर बार हर काम को करने के बाद इतला देते थे पहले जाते वक्त हिदायत देते थे फिर जो कुछ भी हो आकर हिदायत इतला ऐसा हुआ है कि आप सुल्लासलम ने लश्कर को भेजा और वहां जाकर उनका आपस के अंदर इख्तलाफ हो गया एक, एक जमात भेजी आपने और वहां जाकर उस जमात के जो अमीर थे जो लीडर थे वो नाराज हो गए उन्होंने सारे साथियों को कहा कि भाई लकड़िया जमा करो लकड़िया जमा कर दी और लकड़ियां जमा करने के बाद फिर इसमें आग लगा दो आग लगा दी फिर इस अमीर ने कहा कि सब के सब इसमें कूद जाओ तो कूद जाओ अब सब कहने लगे कि यार आग में कूदना चाहिए कुछ कहने लगे भाई अमीर की बात तो मानना चाहिए कुछ कहने लगे नहीं नहीं ये समीर की बात ऐसी नहीं मानेंगे हम तो आग से यानी जहन्नम की आग से बचने के लिए तो निकले हैं और हमें फिर से आग में निकाला डाला जाता है। नहीं मानेंगे खैर आपस में इख्तिलाफ हुआ यहां तक कि आग भी ठंडी होगी अमीर का गुस्सा भी ठंडा हो गया फिर अपना वक्त पूरा किया वक्त पूरा करने के बाद अब इतना दे रहे हुजूर शाहन के पास पहुंचे फर्मा अल्लाह के रसूल हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो जब कारगुजारी इसको कहते कारगुजारी हम कहते हैं तबलीगी जबान में लेकिन तसउ की जबान में इतला कहते हैं कि अपने हाल की इतला दो तो उन्होंने इतला दी कि अल्लाह के रसुल हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि लकड़ियां जमा कराई आग जलाई फरमाया कूद जाओ तो हम तो नहीं कूदे हमने कहा कैसा हो तो अल्लाह के रसुल्ला फरमाया कि अच्छा हुआ तुम नहीं कूदे अगर कूद जाते तो हमेशा के लिए जहन्नम में जाते और फिर आपने फरमाया कि देखो किसी भी अमीर की बड़ों की इतात उस वक्त है कि जब तक वो शरीयत के दायरे के अंदर हुक्म दे और शरीयत के दायरे के खिलाफ हुक्म दे तो उसकी इतात नहीं की जाएगी अभी शेख आपको कह दे कि भाई तुम्हारे लिए नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं है तो क्या कहोगे भाई शेख ने कहा है चलो हमारे लिए नमाज माफ हो गई नहीं 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 फिर ऐसे शेख की बात नहीं मानी जाएगी क्यों कि शरीयत के खिलाफ हुक्म दे रहा है शरीयत ने तो कहा नमाज पांच वक्त की पढ़ो तो शेख उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा जो फराइज है वो फराइज है बोले रोजे तुम्हारे माफ हो गए नहीं वो दूसरे हदूद के अंदर है तो इसलिए वहां पर आपने इस किस्से पर फिर हिदायत फरमाई दी कि अमीर अगर ऐसी बातों का हुक्म दे तो कभी ना माना जाए आ, और चलते रहो इخت, लेकिन इख्तलाफ नहीं करना है इख्तलाफ नहीं करना कभी कभी इंसान किसी वक्त में कुछ बातें कह देते हैं कभी हाल की वजह से होता है कभी कोई गलबा हो गया कभी किसी बीमारी की वजह से ऐसी बातें कह दे तो उसकी इतबा नहीं की जाएगी और उनसे इख्तलाफ भी नहीं किया जाएगा तो फरमाया शेख को अपने हालात की इतला दे इससे हिदायत लेता रहे और फिर उन बातों पर अमल भी करता रहे तो इतला और इतबा दो चीजें जरूरी हैं बस सारी जिंदगी यही काम करता रहे शेख की तरफ रुझू करने का असल मकसद यही होता है तो याद रहे जितने हमारा दर्द सुन रहे हैं अगर वो हमसे अपनी इसलाह कराना चाहते हैं तो जरूर अपने हालात को बताए और उसके हिसाब से उनको जो वजीफे दिए जाए उसके मुताबिक अमल करेंगे बहुत ही नफा होगा बस शर्त यह है कि जो बताएगा उस पर अमल करे जो नहीं बताया गया उस पर भी अमल करते हैं हम तो फिर वो मिक्स हो जाता है जितना कहा गया उतना अमल करना है तो शाह हमारी इसलाह होती जाएगी और हमें बहुत नफा होता जाएगा तो इस किताब अनफा से अनफासा में हजरत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब ने रज़ाइल और फजाइल से मुतिक यानी अच्छे सिफात और बुरे सिफात अच्छी बातें और बुरी बातों से मुतिक जो मलफूजात हजरत थानी रम्हि से जमा फरमाए हैं उनको पढ़ लेते हैं और साथ साथ उनकी थोड़ी सी तशरी कर देता हूं तो हजरत जो है तकी उस्मानी साहब उसी इसामे से इन बातों को पढ़ते हैं और उसकी थोड़ी सी तफसीर करते हैं तशरी करते हैं अल्लाह ताला अपने फजल से इनको समझने की भी तोफीक अता फरमाए और उनके जरिए अपनी इस्लाह करने की भी तोफी अता फरमाए ये ये जो उन्वान था तसवुफ की हकीकत समझे ये बात समझ में आ गई अभी दूसरा जो है वही मजमून चल रहा है जिसे रजाइल आए थे रजाइल कहते हैं वो बुरी सिफात को बुरी आदत को बुरे अखलाक को तो अभी दूसरी मजलिस में रजाइल की इसलाह इंसान के बातिन में ये छोटे छोटी छोटी मजलिस होती थी इंसान के बातिन में जो खराब और फासद किस्म की सिफतें हैं, उनको रजाइल कहा जाता है इंसान के बातिन में जो खराब किस्म की सिफतें हैं, उनको रजाइल कहा जाता है इस उनवान के तहत हजरत थानवी रमतल फरमाते हैं अब हजरत थानवी की जो मलफूज है वो सुनिए सालिक को चाहिए कि रजाइल की असलाह शेख से एक एक की कराए थानवी की जो बातें लिखी हुई हैं इसा जो है उसके अंदर ये उसकी फिर उसकी तशरी हो जाए सालिक को चाहिए कि रज़ाइल की इसलाह शेख से एक एक की कराए जब एक रजीले की मुकावमत पर पूरी कुदरत हो जाए यानी एक रजीला एक बुराई की जब पूरे तौर पर निकल जाए और मादे का इजमे हो जाए तो दूसरे रजिले का इलाज शुरू करें। यानी पहले क्योंकि बीमारी हमारे अंदर तो बहुत सारी है लेकिन कोई एक बीमारी जो बड़ी होती है पहले उसका इलाज शेख भी करना शुरू करता समझने के बाद जब उसका इलाज हो जाता है और वो बीमारी जब हमारी दब जाती है तो उसके बाद फिर दूसरी बीमारियां का इलाज शुरू करे वो दूसरी बीमारियां खुद ब खुद फिर कमजोर हो जाती क्योंकि इसी के अंदर से सारे निकली हुई तो दूसरे रजीले का इलाज शुरू करें और उस रजीले के इजा, इजाला एक कुल्ली का भी इंतजार न करें क्योंकि नामुमकिन है बल्कि इस मादे के वजूद में हजार हा हैं ये तो असल इबारत थी अब उसकी तशरी सुनिए सालिक के माना होते हैं चलने वाला सालिक के माना होते हैं चलने वाला तो हम सब कौन है भाई सालिक है जी और दाई भी है याद रखना क्योंकि हर दाई सालिक होता है दाई कहते हैं एक दूसरे को समझाना तो हमें दावत देते देते भी सुलूक तय करना है और सुलूक तय करते करते भी दावत देना है याद रखना तो सालिक हर सालिक दाई होता है हर दाई सालिक होता है आज तफरी कहां होगी कि हम तो दाई हम सालिक नहीं है बस वहीं से वो गिरना शुरू हो गया तो सालिक के माना होते हैं चलने वाला कहां चलेगा अल्लाह की तरफ चलने वाला तस्वुफ की इस्तेला में एक तो ऐसे सालिक का माना लोगत में डिक्शनरी में यह है लेकिन तस्वुफ की आ, इस्तेला इस्तेला कहते हैं टर्मिन है तो, क्या बोलते हैं इस्तेला को कुछ लफ्ज बोलते हैं इंग्लिश में तो वो समझ जाओ तस्वुफ की इस्तेला में सालिक उसको कहते हैं जो किसी शेख के पास जो किसी शेख के पास अपनी इसलाह कराने के लिए जाता है उसको सालिक कहते हैं टर्मिनोलॉजी जी वही वही उसको कहते हैं इस्तेला, तवुफ की इस्तेला है, तवुफ के अंदर ये टर्मिनोलॉजी है उसको इस्तेला कहते हैं इसलिए आइंदा समझते जाना तो सालिक उसको कहते हैं जो किसी शेख के पास अपनी इस्लाह कराने के लिए जाता है तो वो सालिक इसलिए हर दाई को सालिक होना चाहिए यानी खुद तबलीग भी एक तसव्वुफ है उसके अंदर भी उसके जो बड़े हैं उनसे मुनसलिक होकर उनसे अपने आप को प्राइवेट अपनी बातों को सुनाकर उनसे अपनी इस्लाह कराता जाए या उनके अलावा किसी और को भी अपना शेख बनाकर अपनी सलाह कराता जाए इस्लाह कराने के लिए जाना गोया के वो रास्ते पर चल रहा है तस्वुफ को कहते हैं तरीक तस्वुफ को क्या कहते हैं तरीक रास्ते को भी तरीक कहते हैं अरब में जाओ तो कहते तरीक 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 यानी भाई रास्ता दो रास्ता 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 तो तरीक तरीक का मना रास्ता और इसीलिए वहां से किताब को किताबों के अंदर तरीकत का लफ्ज बहुत आता है तो तरीक से तरीकत निकला तो तसव्वुफ को कहते हैं तरीक, तरीक यानी रास्ता तो सालिक और सालिक कहां चलता है इस तरीक पर सालिक माना चलने वाला तो चलने वाले के लिए रास्ता भी तो चाहिए तो उसको कहते हैं तसव्वुफ या उसको कहो तरीक और सालिक इस तरीक पर चलने वाला है और शेख की मिसाल रहबर की है रहनुमा की है, यानी रहबर की यानी हम अगर कहो तो दलील कहते हैं भाई कई गश के लिए जाते हैं मुलाकात के लिए भाई कौन दलील बनेगा तो वो ऐसे ही तो शेख की मिसाल रहनुमा की है जो उसको रास्ता बताता है कि इस तरह चलो और इस तरह काम करो तो हजरत ने फरमाया कि सालिक को चाहिए कि रजाइल की इस्ला रजाइल की असलाह शेख से एक एक की कराए मसलन उसके अंदर गुस्सा है और गुस्सा एक रजीला है गुस्सा एक रजीला रजीला यानी एक बुरी चीज है बुरी आदत है उसकी इलाह करानी है गुस्से के नतीजे में वो क्या करता है मारता है पीटता है या डांट डपट करता रहता है और गुस्से के अंदर आपे से बाहर हो जाता है तो उस शेख को बताए शेख को बताए कि कहा हजरत मेरे अंदर बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में मैंने पता नहीं क्या क्या नुकसान हो जाते हैं तो ये बतावे आज क्या है हम बताते हैं कुछ भी नहीं है. क्यों क्या नफ्स कहता है बताने से क्या समझेगा आ, और इसको क्या बताने की जरूरत इसका क्या इलाज करेंगे जी तो बताने की जरूरत होती है तो खैर गुस्से के नतीजे मारता पीटता है डांट टप्पड़ करता है गुस्से के अंदर आपे से बाहर हो जाता है तो उस शेख को बताए कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है और गुस्से के नतीजे में बहुत सी गलत बातें भी मुझसे हो जाती अब शेख उसका इलाज करेगा कैसा इलाज करेगा वो ऐसा इलाज नहीं करेगा कि उसके नतीजे में गुस्सा आना बंद हो जाएगा नहीं बल्कि इलाज के बाद भी गुस्सा तो आएगा इलाज के बाद भी गुस्सा तो आएगा क्योंकि गुस्सा एक फितरी सिफत है यह तो नेचुरल इंसान के अंदर अल्लाह ने उसको बनाया ही है फितरी चीज है जो हर इंसान के अंदर होती है लेकिन इलाज के नतीजे में वो गुस्सा शरीयत के ताबे हो जाएगा गुस्सा क्या होगा गुस्सा शरीयत के ताबे हो जाए जैसे हजर तुम दिल्ल अनु गुस्सा तो था लेकिन पहले इस्लाम पर गुस्सा करते थे फिर इस्लाम के खिलाफ कुफर पर गुस्सा करने लगे तो गुस्सा तो रहा लेकिन इसलाह हुई इसला हुई तो गुस्सा बदल गया ऐसे ही हम आज गुस्सा दूसरों पर करते हैं जब हमारे अंदर की इसल होगी तो गुस्सा अपने आप पर करेंगे आ? या कोई दिन पर न चलने वाले पर हमें आएगा अभी तक तो वैसे ही आ रहा था तो यह है कि गुस्से की सिफत बदल जाए उसको कहते हैं इमाला इस जगह से हटाकर दूसरी जगह डाल इसी तरह नफ्स के अंदर जितने भी रजाइल है चाहे वो गुस्सा हो या शहवत हो या बुखल हो जी ये सब फितरी है फितरतन ये है रखी हुई चीजें और ये सिफात अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर इसलिए रखी है ताकि इंसान उसको सही जगह पर इस्तेमाल करे सही महल पर इस्तेमाल करे अगर इंसान के अंदर गुस्सा ना हो तो अपनी जान का दिफा कैसे करेगा माल का दिफा कैसे करेगा अपने बीवी बच्चों का दिफा कैसे करेगा गुस्सा न होने का नतीजा यह होगा कि खा को इस पर हमला आवर हो उसके बीवी बच्चों पर हमला आवर हो मगर उसको गुस्सा ही नहीं आएगा और दूसरे के इस गलत इकदाम को रोकने के लिए तबियत में कोई ही ना होगा तो न अपने नुकसान से बचने का कोई तकाजा पैदा होगा अगर गुस्सा नहीं होगा तो गुस्सा अपने हकीकत के अतबार से तो अच्छी चीज है लेकिन उसका इस्तेमाल गलत होता है तो शेख की सोहबत में बैठकर जो इलाज होगा तो उस गुस्से का सही जगह इस्तेमाल हो जाए कि क्या होगा कि अपनी दिफा के लिए गुस्सा करना है तो वो तो करना चाहिए कोई हमारा माल ले रहा है तो उस पर हमें गुस्सा करना है पहले अपने भाइयों पर गुस्सा होते थे छोटी छोटी बातों पर अपने तबीयत के खिलाफ काम हुआ तो गुस्से हो जाते थे अब शरीयत के खिलाफ कोई काम हुआ है तो गुस्सा आएगा क्योंकि अल्लाह का हुक्म टूट रहा है तो वो सब अब कंट्रोल आ जाएगा अब वो गुस्सा बेजगह नहीं निकालेगा कंट्रोल करेगा कहाँ कितना कहाँ कितना आंखें दिखाना कितना डांटना है कितना करना है अब वो सारा का सारा सोहबत में बैठकर जब अंदर का ईमान बनता है तो फिर ये करना आसान होता है एक नवाब का वाक है जैसे मेरे वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रमत एक किस्सा सुनाया करते थे कि एक नवाब साहब हर काम जबते में किया करते यानी उसूल के साथ जब्ता कहते हैं उसूल उनका तर, उनका तुर्र इम्तियाज ये था कि उन्होंने अपना एक जाब्ता बना रखा था एक अपनी सेटिंग बना रखी थी कि इतने बजे से इतने बजे तक खुला काम करूंगा और इतने बजे से इतने बजे तक फुला काम करूंगा टाइम सब सेट किया होता फुला वक्त खाना खाऊंगा फुला वक्त सोऊंगा फुला वक्त उठूंगा और जिस काम के लिए जो वक्त मुकरर कर रखा था उसके बारे में उनका कहना यह था कि मैं उस वक्त जाबते में यह काम कर रहा हूं चाहे वो काम न कर रहे हो उन्होंने सब लिख दिया था अब वो काम न भी कर रहे तो फरमाया मेरा काम था इतने वक्त से इतने वक्त सोना बस मैं उसके अलावा कुछ काम नहीं करूंगा चाहे मैं सो चाहे न सो लेकिन मेरा वक्त सोने का बस तो ऐसा था तो उनके यहां एक तो मसलन सोने का वक्त छह घंटे मुकर्र किया है और ये तय किया हुआ है कि मुझे सुबह छह बजे उठना है अब अगर पांच बजे आग भी खुल जाएगी तब भी वो छह बजे तक लेटे रहेंगे <laughs> तो ये था उनका जाब्ता था अगर अगरचे उस वक्त वो हकीकत में तो नहीं सो रहे लेकिन जबते में सो रहे तो एक दिन नवाब साहब के उठने का वक्त छह बजे था आ, उठने का वक्त छह बजे था मगर पांच बजे आ खुल गई अब जाबते में वो सो रहे थे उस वक्त घर में एक बंदर घुस आया घर में एक बंदर घुस आया वो बंदा नवाब साहब के कपड़े लेकर भाग गया नवाब साहब के कपड़े लेकर भाग गया फिर वो दोबारा आकर रोटी लेकर भाग गया फिर कुछ और सामान लेकर भाग गया मगर नवाब साहब लेटे लेटे बंदर को देख रहे हैं जूही छह बजे तो फौरन हड़बड़ा कर उठे और कहने लगे अरे भाई कोई देखने वाला नहीं है ये बंदर सब चीजें उठाकर ले जा रहा है क्या सब लोग मर गए हैं <laughs> अरे कुछ समझे भी <laughs> वो खुद जाग रहे हैं खुद सब देख रहे हैं लेकिन उठने के बाद क्या करें रहे हैं अरे क्या सब सो रहे ये बंदर सारी चीजें लेके जा रहा है को उसको हटाने वाला नहीं है। कहने लगे अरे भाई कोई देखने वाला नहीं ये बंदर सब चीजें उठा कर ले जा रहा क्या सब लोग मर गए लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब आपने बंदर को ले जाते हुए खुद देखा था कहने लगे हाँ हमने खुद ले जाते हुए देखा था तो फिर जनाब आप ही बंदर को रोक देते आप ही बंदर को रोक देते तो नवाब साहब ने कहा अरे भाई हम उस वक्त जाबते में सो रहे थे अब उस वक्त बंदर आवे के कुछ भी आवे हम उसको कुछ नहीं कह सकते अब देखिए कि जबते को इस दर्जा अपने ऊपर लागू कर लिया कि इंसान के जो फितरी जज्बात होते हैं कि इंसान अपने जान और माल का दिफा करे वो भी जबते के आगे कुर्बान है तो ये इसको कहते हैं गुस्सा ही नहीं आ रहा है भाई एक बंदल लेके जा रहा है और फिर ऊपर से गुस्से हो रहे हैं अरे तुम लोग सो रहे हो तो ऐसे ऐसे होते हैं जॉक्स है <laughs> बस यहां तक रखे इंशाला कल यहां से बात शुरू करेंगे थोड़ी देर मुराक ले आंखों को बंद कर ले गर्दन को झुका ले और ये तस्वर करे अल्लाह की रहमत आ रही है मेरे दिल में समा रही है मेरे दिल से जुल्मत दूर हो रही है